हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फुल टू मस्ती चल रही है, अच्छा पढ़ाई भी चल रही है। गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, इसमें हम लोग क्या पढ़े? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नहीं, और उस पे हम लोग फिर क्वेश्चन करना शुरू किए थे। और मैं आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसमें वैलिड नहीं है। और जुगाड़ क्या है? वी हैव टू कंसीडर वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स आल्सो। ओके, सो हम लोग जो लास्ट में क्वेश्चन किए थे उसी से आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट रिकैप करते हैं। लेट्स अज्यूम कुछ इस तरह का हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है? इसका हाइट है 10 मीटर, इसका हाइट है 5 मीटर। हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, रिलीज किया, बस हल्का सा रिलीज किया। बॉल हैज बीन रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, रिलीज्ड। बॉल हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजिशन, दिस इज पॉइंट इज ए। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी। दिस सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ। ये क्या है? ट्रैक बिल्कुल स्मूथ है और ये फिक्स्ड वेज है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस टू बी। जब वो पॉइंट ए से बी पे जाता है तो इस पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी डाटा इनसफिशियंट। ऑप्शन ई मोटा। फिक्स स्मूथ वेज, अ बॉल हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम पोजिशन ए, देन हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी। हो गया? ओके। अब मेरा सिस्टम है, मानते हैं बॉल प्लस अर्थ। सिस्टम क्या है? बॉल प्लस अर्थ। आपको हम बार बार बोलेंगे अर्थ में सिस्टम का पार्ट होगा, नहीं बोलेंगे तब आपको क्लियर करना है, सो दैट वी कैन कंसीडर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉल प्लस अर्थ सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या होगा? नॉर्मल। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? जीरो, बिकॉज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है। सो सिंस वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, वी कैन यूज दिस माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के। तो जब ए से बी जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो डेल्टा यू इज माइनस एम जी है बिकॉज इट हैज डिक्रीज। एंड डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो, उसको रिलीज किया वहां से, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एम गॉट कैंसल, सो वी बी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। और यहां पे एच क्या है? कि ए से बी वो कितना नीचे गया, वही तो है एच, राइट? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में कितना हाइट चेंज हुआ, वही तो एमजीएच में। अगर डेल्टा यू में एमजीएच लिखते हैं, यहां पे एच क्या है? चेंज इन हाइट। सो ए से बी वो कितना नीचे गया, ये पूरा 10 है, ये 5 है, सो इट हैज गोन डाउन बाय 5 मीटर, सो एच इज 5, सो इट विल बी अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 5, दिस मच मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं।
अब ये रफ ट्रैक, ये फिक्स्ड है और ये रफ है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रैक एंड बॉल इज म्यू, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस हाइट इज एच। अब हमने बॉल को रिलीज किया ए से और ये जो मैं चल रहे हैं वो बी तक पहुंच रहा है, वो बॉल जो है बी तक पहुंच रहा है। ठीक है, हमने यहां रिलीज किया, इसने रिलीज किया और वो बी तक आ रहा है, साइट इज सफिशियंट सो इट कैन रीच अप टू पॉइंट बी। देन माय क्वेश्चन इज फाइंड velocity of ball when it reaches to point B। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं, ये सबका बनना चाहिए। Find velocity of ball when it reaches to point B। Option A under root 2gh। Option A क्या है? Under root 2gh। Option B अंडर रूट 2gh माइनस म्यू जी डी। ऑप्शन सी अंडर 2gh प्लस म्यू जी डी। ऑप्शन डी अंडर रूट जी एच प्लस म्यू जी डी। ऑप्शन ई have to find velocity of ball it reaches to point B, ball has been released from this position, हमने यहां से रिलीज कर दिया है, हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, released हो गया। ओके, अब हम लिखते हैं वर्क रिलीज थ्योरम। जिससे हमारा सिस्टम बॉल प्लस अर्थ और कुछ नहीं है, सो हम क्या लिख रहे हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये हमारा वर्क इनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, अब अगर मेरा सिस्टम है बॉल प्लस अर्थ, तो ये वेट सिस्टम के बाहर है, तो बॉल पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? नॉर्मल फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम का पार्ट हो गया, डेल्टा यू होगा। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल? सो नॉर्मल हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, सो वर्क डन बाय नॉर्मल इन दिस केस इज जीरो, किसी भी पॉइंट पे लेंगे सो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा, सो वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन कितना होगा? सो चूंकि चल रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है सो अगर हम आपको हम करवा चुके हैं ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाले पार्ट में, कि अगर हम यहाँ पे एक एफवीडी बनाए इधर लग रहा है mg, ये है नॉर्मल, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या है 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। सो इस पर बांधते हैं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है? टेन थीटा। सो नॉर्मल यहां पे क्या हो गया? अपन करवा चुके, रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मल हो गया mg cos थीटा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन म्यू इंटू एन म्यू एम जी कॉस थीटा, और बॉल आ रहा इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस, तो मेरा फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इधर लगा डिस्प्लेसमेंट आ गया है, सो एंगल है 180, सो कॉस 180 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कंप्लीट रिपीट है, मैं आपको करवा चुका हूं, कहां पे करवाया था याद है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में होमवर्क दिया था, फिर मैं करवाया था, राइट? सो अब इंडिकेशन ऑफ डीएस कॉस थीटा क्या होगा? तो सारे डीएस का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, ये मेरा डीएस है, ये थीटा है, सो डीएस कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सारे डीएस का हम लोग ऐड करें तो क्या मिलेगा? डी। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डिस्कशन में। सो दिस इज माइनस म्यू एम जी डी, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू एम जी डी। क्वेश्चन नंबर टू,
क्विक कट, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन का निकल चुका है, सो विल राइट माइनस म्यू एम जी बी। अब जब नीचे आ रहा है डेल्टा यू नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस प्लस कितना नीचे आया है एम जी एच, डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो, सो एम गॉट कैंसल, वी स्क्वायर इक्वल टू, अब तो हो गया 2gh माइनस 2 म्यू जी डी, इसका अंडर रूट v। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पिछले क्लास से हम लोग क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं। हमने बॉक्स को यहां से रिलीज किया, मानते हैं इसका लेंथ है 5 मीटर एंड दिस थीटा इज 37। हमने बॉक्स को रिलीज किया इस पोजीशन से 37 डिग्री पे, ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन यहां से हमने रिलीज्ड किया। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। सब सिंपल क्वेश्चन, हमने यहां से रिलीज किया, ये जब वर्टिकल हो जाएगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नॉट। अबव हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन ए, देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन इट रीचेस टू पोजीशन बी, जब ए से बी आता है इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लिया ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी अंडर रूट 20, ऑप्शन सी अंडर रूट 40, ऑप्शन डी नोटा। फटाफट करो, फटाफट, सब कुछ ठीक चल रहा है? यस, ओके, हो गया सिंपल। बॉब यहां से यहां आ रहा है, बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, सिस्टम का पार्ट, क्योंकि अर्थ में सिस्टम का पार्ट है। व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन? जीरो, बिकॉज टेंशन हमेशा रहेगा रेडियली और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल। जहां पे भी देखेंगे टेंशन है रेडियल और वेलोसिटी है टेंजेंशियल, सो इसके बीच में एंगल 90 है, सो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। सो नाउ वी कैन यूज माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के, वी कैन यूज दिस माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के, ओके। So, अब माइनस डेल यू, सो नीचे पोटेंशियल नेगेटिव, कितना नीचे आया, सो पहले यहां पे था, अब यहां पे आया, यही तो हाइट नीचे आया। अब बताओ अगर ये 5 है, सो इन ट्रायंगल ओ ए डी दिस ओ डी विल बी इक्वल टू 5 cos 37 4 मीटर, हाँ या नहीं? ओ डी इक्वल टू 5 cos 37 डिग्री, दैट इज 4 मीटर। सो पहले इस पोजिशन पे था, अब यहां आया, सॉरी पहले यहां था और अब यहां आया, सो पहले उसका हाइट क्या था, ये यहां से यहां 4 मीटर, यहां से यहां और ये 5, सो कितना नीचे आया, h इक्वल टू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ डी, दैट इज 5 माइनस 4, पहले पूरा दैट इज 1 मीटर। तो कितना नीचे आया, 1 मीटर, सो डेल्टा यू नेगेटिव है, सो माइनस m जी एच वन दैट इज इक्वल टू डेल के, सो प्लस एम जी, डेल्टा के रिलीज किया है, फाइनल भी है, इनिशियल जीरो है, सो वी इक्वल टू अंडर रूट 2g दैट इज अंडर रूट 20। अगर जनरलाइज करें, अगर इसका लेंथ एल होता, और इसको मिटा रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अगर देखो मैं नहीं बोल रहा, फॉर्मूला आप याद करो, अब कुछ भी वैल्यू दे देता है, अगर ये थीटा है
और इसका लेंथ एल है और ये थीटा है, तो ओडी क्या होगा? एल कॉस थीटा। ओडी क्या होगा? एल कॉस थीटा। सो अब फाइनल इनिशियल हाइट था एल कॉस थीटा, फाइनल यहां से हो गया एल। सो अब अगर हम देखेंगे डेल्टा यू, डेट विल माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ये डेल्टा यू होगा। ये जो एच होगा, दिस एच इज ओ बी माइनस ओ डी, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। इन जनरल में भी लिख रहा हूं, जनरल ये याद नहीं करना है, समझना है, तुरंत डायग हो जाएगा। नाउ वी कैन यूज टू फाइंड वेलोसिटी, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, वी कैन यूज दिस। अब नीचे अपने से डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट विल बी एम जी एल इनटू वन माइनस कॉस थीटा डेल्टा के हाफ फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी फाइनल क्या है? वी इनिशियल रिलीज क्या मतलब जीरो, सो एम गॉट कैंसल, सो वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। दैट्स इट, एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब बिल्कुल सेम टाइप दे रहा हूं, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, सिंपल, यहां से हमने वेलोसिटी दिया है, इसको 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 कितना कितना कितना, चल फोर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन क्वेश्चन इज मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। हमने फिर लेके छोड़ दिया एक बॉब को जिसका लेंथ है वन मीटर, लेंथ क्या बॉब का वन मीटर, और इस अब हमने इसको फोर मीटर पर सेकंड करके छोड़ दिया। देन क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एंगल फॉर्म बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। फटाफट फटाफट कीजिए, फटाफट, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। You have to find maximum angle formed by string with vertical. फटाफट, ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी cos inverse 1/5, ऑप्शन बी cos inverse 2/5, ऑप्शन सी sin inverse 1/5, ऑप्शन ई sin inverse 1/5, ऑप्शन ई नोटा। हो गया, अब मैं करूं, चलो करता हूं। जब हमने पूछा मैक्सिमम एंगल, मतलब जहां से जाके ये यहां से आ गया और फिर रिटर्न होना शुरू करेगा। मैक्सिमम एंगल मीन्स कहां, जहां से वो फिर से पीछे रिटर्न शुरू कर दे, दैट एंगल विल बी मैक्सिमम, राइट। सो किस पोजीशन से वो रिटर्न होना शुरू करता है,
सो मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, जहां से रिटर्न होगा मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। सो अगेन अप्लाई वर्क एनर्जी फ्रॉम दिस टू दिस, अगेन हमारा टेंशन विल बी जीरो क्योंकि टेंशन हमेशा रेडियली है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है। सो विल यूज माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हम ए और बी के बीच वर्क एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको एकदम कितना आराम से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सो अब यहां पे ये पूरा ओ ए है वन एंड ओ बी सॉरी ओ डी विल बी वन कॉस थीटा बिकॉज ये वन मीटर है। सो ओ डी इज वन कॉस थीटा। सो डेल्टा यू क्या होगा, प्रशांत जी यहां पे बढ़ रहा है, प्रशांत जी बढ़ रहा है तो विल बी एम जी इंटू ओ ए माइनस ओ डी, इतना प्रशांत जी बढ़ेगा। सो एम जी ओ ए इज वन एंड ओ डी इज कॉस थीटा। सो जब ए से बी आएगा सो इतना इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में, यहां से यहां जाने में ये पूरा वन था, ये वन कॉस थीटा है तो इतना हाइट होगा वन माइनस वन कॉस थीटा। सो माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस सो माइनस एम जी वन माइनस कॉस थीटा डेल्टा के के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो के फाइनल जस्टी फाइनल जीरो है और इनिशियल है हाफ इंटू एम इंटू फोर स्क्वायर माइनस वाट कैंसल एट जी टेन लेते हैं टेन इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एट। सो वन माइनस कॉस थीटा इज एट बाई टेन दैट इज फोर बाय फाइव। सो कॉस थीटा इज वन बाय फाइव। सो थीटा इज कॉस इनवर्स वन बाय फाइव। मैं किससे आपको बिल्कुल आराम से सेम टाइप क्वेश्चन कराए जा रहा हूं नेक्स्ट नेक्स्ट हम थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत कर लिए ओके। अगेन स्ट्रिंग मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस मासलेस, सब कुछ दिया हुआ आपको। दिस सिस्टम हैज बीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आपको मैं सब करवा चुका हूं डेल्टा यू में, तो अब से माइनस डेल्टा को डेल्टा ए करना मछली आसानी से बनना चाहिए। सबसे क्वेश्चन है फाइन velocity of each block if 6 kg block goes down by 2 meter. Find velocity of each block if 6 kg block goes down by 2 meter. Option A. अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी अंडर रूट 40 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी अंडर रूट 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नोट। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इच ब्लॉक इफ 6 केजी ब्लॉक गो डाउन बाय 2 मीटर। हो गया ओके। अब ध्यान दो, आपको देखो वर्क एनर्जी कितना क्वेश्चन को यहां पे आसान करेगा। इस क्वेश्चन को हम बिना वर्क एनर्जी पढ़े भी बना सकते हैं, कैसे, पहले एनलम से इसका एक्सप्रेशन निकालना आता है। अब एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट है, अप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एक तरीका यह है। दूसरा अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जाए, अगर आप सिस्टम लोगे सिर्फ 6 केजी ब्लॉक को तो फिर टफ होगा, क्यों, अगर 6 केजी ब्लॉक लेंगे तो यहां पे टेंशन और एक्सटर्नल फोर्स और उसका वर्क डन जीरो नहीं है। टेंशन इस पे लग रहा है, ऊपर ब्लॉक आ रहा है नीचे, जहां पे अगर 6 केजी ब्लॉक को सिर्फ सिस्टम लेते हैं सो वर्क डन टेंशन भी निगेटिव। इफ योर ब्लॉक इफ योर सिस्टम इज 6 केजी ब्लॉक
इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव बिकॉज 6 केजी ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है, ऊपर ब्लॉक आ रहा है नीचे, सो एंगल है 180, सो व्हाटएवर टेंशन फोर्स विल बी नेगेटिव. सो सिस्टम 6 केजी ब्लॉक लेने में भी फिर हमको टेंशन निकालना पड़ेगा, उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा लफड़ा यार. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, फुल्ली इस तरह का सिस्टम हो, आसान क्या है, आप सबको पूरे को एक सिस्टम मान लो. अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, सो आर सिस्टम इज पूरा ए प्लस बी प्लस स्ट्रिंग प्लस पुल्ली, मतलब कंप्लीट जो आपको दिख रहा है, और अर्थक्वेक तो हमेशा हम मान रहे हैं, मतलब इस पूरे को हमने सिस्टम माना. इससे क्या फायदा हुआ, जब स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट हुआ, आप लोग कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हो, इन दिस केस वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो बिकॉज हमने स्ट्रिंग को माना इनएक्सटेंसिबल रिजिड बॉडी है. और आप याद रखो ऑलवेज वर्क टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इन केस ऑफ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज जीरो. सो यहां पे हम इस जब सिस्टम में मान रहे ए बी और स्ट्रिंग को, हम स्ट्रिंग को रिजिड मान रहे हैं, स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं है. और जब स्ट्रिंग रिजिड है तो टेंशन उसका इंटरनल फोर्स ऑर्डर क्या होगा, जीरो. सो अब मेरे पास सिर्फ बचा mg जो सिस्टम का पार्ट है, और कोई फोर्स है ही नहीं, टेंशन का ऑर्डर तो जीरो हो गया. सो नाउ वी कैन अप्लाई माइनस डेल यू ऑफ होल सिस्टम बिकॉज सिर्फ 6 केजी को लेने से दिक्कत था, हमने 6 और 4 दोनों को साथ लिया है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के पूरे सिस्टम का. अब आपको डेल्टा को निकालना हम सिखा चुके हैं. अब यहाँ पे अगर ब्लॉक बी आता है नीचे 2 मीटर, सो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट लेसन ए भी जाएगा 2 मीटर ऊपर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा. सो डेल्टा यू सिस्टम क्या होगा, इसका डिक्रीज किया मतलब 60 into -120 + 80 - 40 माइनस माइनस प्लस, डेल्टा इज -40 सो इट विल बी माइनस डेल्टा इज +40. अब ये मत पूछना सर कैसे हुआ, इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी में, राइट. That is equal to delta K, पूरे सिस्टम का लिखे हैं तो डेल्टा के पूरे सिस्टम का सिर्फ 6 केजी का लेंगे क्या, नहीं. जब हम डेल्टा के सिस्टम लिखेंगे तो चूंकि मेरा सिस्टम पूरा है, हम सबका एक साथ लिखेंगे, सो दैट विल बी हाफ, सबका फ्लक्चुएशन दोनों का सेम होगा बिकॉज कंस्ट्रेंट हमको पता है, अगर ये जाएगा वी से नीचे तो वी से ऊपर जाएगा, सो हाफ इंटू 6 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर. So from where you can write 40 equal to 3b square plus 2b square 5b square, so v equal to under root 80%. Am I clear? So v equal to under root 8 meter per second. आगे बढ़ते हैं. Next. So, बिल्कुल सेम टाइप दे रहा हूं, इसमें गलत नहीं होना चाहिए.
सुन हम हिंट दे रहे क्या ओके नाउ दिस सिस्टम होल सिस्टम हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सिस्टम हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सब कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सिस्टम हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड velocity of 5 kg block when 50 kg block goes down by 1 meter. You have to find velocity of 5 kg block when this goes down by 1 meter. फटाफट फटाफट करो मैं भी कर रहा हूं जी टेन है बताओ पैसे भी लेते नहीं क्लियर सो मैं कोशिश किया सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में और मिक्सअप करेंगे ये तो बस स्टार्ट है पार्टी तो भी बिगिन स्टार्ट हुआ है यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ 5 केजी ब्लॉक व्हेन 50 केजी ब्लॉक गोज डाउन बाय 1 मीटर हो गया चलो अब मैं करता हूं ये 1 मीटर नीचे गया हमको सब कुछ निकालना है तो अगर ये जगह 1 मीटर तो यहां टेंशन है अगर ये टी 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 टू टी एंड टी तो यहां 5 टी अगर जगह 1 मीटर ये जगह 5 मीटर इसमें कोई दिक्कत ये हम लोग कंस्टेंट में पढ़ चुके हैं इफ 50 केजी ब्लॉक गो डाउन बाय 1 मीटर देन 5 केजी ब्लॉक विल गो अप बाय 5 मीटर अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इसका वेलोसिटी v है किसी इंस्टेंट पे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा 5v किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी v है
इसका दृष्टि का फाइव भी, फाइव टाइम्स, ये गलती नहीं करना है, भी और भी नहीं मान लेना है, कंस्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई वाकेंसी थ्योरम. सो आवर सिस्टम इज अगेन दिस ए प्लस बी प्लस पुली प्लस स्ट्रिंग एवरीथिंग, ये सिर्फ सिस्टम के बाहर है व्हिच. सो विल राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के. अब वेज लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, सो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो बिकॉज दिस टू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल आर परपेंडिकुलर. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे, सो कितना लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा बिकॉज नॉर्मल में एम जी कॉस थीटा, सो म्यू इज 0.5. वर्क डन नेगेटिव बिकॉज जा रहा है ऊपर, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, सो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा. ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर, सो इट विल बी 5 × 10 = 15 × 4 = 200 − 100. सब बेसिक क्या हम पिछले क्लास में इसको यूज किए हैं, पिछले क्लास में सब बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, वेज के ऊपर से छोड़ के कितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, राइट? सो ये आ गया −100 जूल. सो वर्क डन फ्रिक्शन क्या हो गया −100 जूल. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन −100 जूल, सो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स −100. डेल्टा यू पूरे सिस्टम का ये हम लोग को करना आता है, ये गया 1 मीटर, इसका पोजीशन डिक्रीज कर रहा है, सो −50 × 1 × 10. अब इसका पोटेंशियल इंक्रीज किया कितना अगर ये चला 5 मीटर, सो ये हाइट कितना होगा, ये एंगल 37 है, अगर ये 5 है तो ये 3 मीटर होगा, राइट? सो ये ऊपर कितना गया है 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं. सो प्लस एम जी एच, सो 5 × 10 × 3, सो −500 + 150, दैट इज −350 −350 + 150 = −350 joule. सो अब चूंकि डेल्टा यू है −350, सो माइनस डेल्टा यू विल बी माइनस ऑफ दैट, दैट इज +350, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के. सो 250 इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज के फाइव माइनस के इनिशियल, तो इनिशियल के ही तो जीरो है बिकॉज इट रिलीज फ्रॉम रेस्ट. फाइनल के ही क्या होगा, ½ × 50 × V² + ½ × 5 × 5V² सो यू कैन राइट 250 इक्वल टू 25V² + 25×5 125V² / 2. सो 250 इक्वल टू 50 + 125 175V² / 2. सो V इक्वल टू वेट, अभी आंसर नहीं आया है, दिस मच मीटर पर सेकंड. अभी आंसर आएगा नहीं, हम पूछा रिस्टी ऑफ 5 केजी ब्लॉक इट विल 5V और इट 5 अंडर रूट दिस 5 × 100 = 125 आंसर हुआ, क्लियर? इसका वेलोसिटी क्या होगा 5 × 5V. नेक्स्ट आपको हम सब कुछ करवा चुके हैं डेल यू में, सो सिर्फ टाइम पास है. मान लेते हैं इसका के है, इनिशियली ऑल स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ, initially all springs are in natural length
सिस्टम हैज बीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम हैज बीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम हैज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इफ ब्लॉक बी गोज डाउन बाय 1 meter. You have to find velocity of block A if block B goes down by 1 meter. फटाफट फटाफट कीजिए फटाफट. मुझे देखना पड़ता है कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हो, उस हिसाब से हमको ऑप्शन चूज करना पड़ता है. हो गया. ऑप्शन ए अंडरूट 80/6, ऑप्शन बी अंडरूट 65/6, ऑप्शन सी अंडरूट 95/6 एंड ऑप्शन डी नोटा नोटा. हो गया. ओके. अब फिर से मेरा सिस्टम है ए प्लस बी प्लस अर्थ प्लस दिस स्प्रिंग स्ट्रिंग सब साथ में है, राइट. सो अब यहां पे चूंकि स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस सिस्टम विल बी जीरो. सिर्फ ए पे जीरो नहीं है, सिर्फ बी पे जीरो नहीं है, पूरे ए प्लस बी के मिला के स्ट्रिंग टेंशन का वर्क डन क्या है, जीरो. सो वी कैन अप्लाई दिस माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल के, ये अप्लाई कर सकते हैं. सो अब ये आया नीचे 1 meter से. अब यहां पे डेल्टा यू का दो पार्ट है, डेल्टा यू ग्रेविटेशनल प्लस डेल्टा यू स्प्रिंग. आपको सब डेल्टा यू निकलवाना सिखा चुके हैं, निकालना पहले हम लोग सीख चुके हैं डेल्टा यू में सबको मिला के, जहां ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है. सो हमारे डेल्टा यू ग्रेविटेशनल ये नीचे आया, प्रश्न का डिक्रीज किया, माइनस एम जी एच एच है 1 meter, so 10 into 10 into 1, 2 kg ऊपर गया, so उसका परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, so डेल्टा यू फॉर ब्लॉक ए या डेल्टा यू ग्रेविटेशनल फॉर ब्लॉक ए विल बी पॉजिटिव बिकॉज ब्लॉक ए इज गोइंग अप, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. सो आई विल पुट हियर प्लस साइन एम जी एंड एच. Why 1 meter? Because they two are connected by a string, and we know according to a string constant, the displacement will be same, the velocity will be same, right? So it will be equal to minus 100 plus 20, that is equal to minus 82. So we have found delta U gravitational. Now let's find delta U spring. So अगर ये नीचे आया स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, और नेचुरल लेंथ से चाहे स्प्रिंग स्ट्रेच होता है या कॉम्प्रेस होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है. सो अगर ये 1 meter यहां से नीचे आएगा, दिस स्प्रिंग विल कॉम्प्रेस बाय 1 meter, सो डेल्टा यू स्प्रिंग हेयर विल बी हाफ के के इज 20 into 1 square प्लस हाफ इंटू के इज 10. दोनों इंक्रीज कर रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा इसमें, इसमें कॉम्प्रेस होगा, बट हमें पता है कि अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच हो या कॉम्प्रेस हो उसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है. सो डेल्टा यू इज पॉजिटिव, सो इट विल बी इक्वल टू 10 + 5 joule, दैट इज इक्वल टू 15 joule. सो विल राइट हियर माइनस माइनस 80 + 15 डेल्टा के की फाइनल. सो के फाइनल क्या होगा, हाफ इंटू 10 into V² प्लस हाफ इंटू 2 into V² एंड के इनिशियल 0. आप मेरे साथ चलो बिल्कुल. माइनस 80 + 15 माइनस 65 माइनस माइनस प्लस, सो 65, राइट. दैट विल बी इक्वल टू 5V² + V² 6V², सो V इक्वल टू अंडर रूट 65/6 मीटर.
क्लियर। अब इसमें कितना ही ब्लॉक लगा दो यार, सब कुछ हम लोग डेल्टा यू निकालना सीख चुके हैं, तो सब टाइम पास है, मैं नहीं करूंगा, एक होमवर्क देके छोड़ देता हूं। अब जितना ब्लॉक डालना है डाल दो, जितना स्प्रिंग लगाना है लगा दो, क्या है प्रोसेस तो सेम ही होगा, लोग पुली तो फ्री मिलता है, लगाते जाओ। ले अरे ले पुले तो मार्केट में फ्री में मिल रहा है, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। नहीं 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 हाँ, ये 100 कीजिए, यहाँ भी स्प्रिंग डाल दो, मस्ती तो करना है, ये है 20 न्यूटन मीटर, यहाँ भी स्प्रिंग डाल दो, ये है 10 न्यूटन पर मीटर, जोर दीजिए, ये है मेरा ब्लॉक 5 के लिए, न्यू है 0.5, ये है 37 डिग्री। सो नाउ सिस्टम हैज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली ऑल स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ, इनिशियली ऑल स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ एंड सिस्टम हैज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी when it goes down by 1 meter, when it goes down by 1 meter, you have to find the velocity of block B when it goes down by 1 meter, ठीक है? ये करना है, ये है homework, गृह कार्य, ठीक है? नेक्स्ट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ किया जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, डेल्टा यू में हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। मान लिए 20 केजी का और ये 5 केजी का, ऑल सक्सेस स्मूथ, इट्स 4 मीटर, देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट कम्स फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी, फाइंड हमने ऐसे रिलीज किया, इसको हमने यहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, पकड़ा होता फिर छोड़ दिया, फाइंड velocity of ring when it comes from position A to B, हमने इसको position A से रिलीज किया है, you have to find velocity when it reaches to position B, जब ये A से B आता है वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगा, ऑल सरफेसेस स्मूथ, स्ट्रिंग इज मासलेस, पुल्ली इज मासलेस, फटाफट कीजिए फटाफट कीजिए, हो गया। अरे ऑप्शन नहीं दिए तो सब थोड़ा लंबा आया, मतलब टफ आएगा थोड़ा कैलकुलेशन, चलो मैं करता हूँ। आपको हम डेल्टा में से मैक्सिमम पार्ट करवा चुके हैं, अच्छे कितना नीचे आएगा, अगर ये 4 है 37 कितना हो जाएगा 5 मीटर, नहीं 37 है और ये 4 कितना होगा 5, ये कितना नीचे आया 3, क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ओके आओ। ये सारा सारा स्मूथ है, मींस कोई वर्क डन फ्रिक्शन का नहीं होगा। फिर से मेरा सिस्टम है ये ब्लॉक प्लस रिंग प्लस स्ट्रिंग, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मेरा सिस्टम ये है सो वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा, नॉर्मल का वर्क डन जीरो है, सो वी कैन अप्लाई दिस माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है नहीं? ओके। अब ये नीचे आया 3 मीटर, ये 4 था, इससे मेरे कॉस थीटा इक्वल टू क्या, ये भी पूछ रहा है। मान ये कोई पॉइंट सी है इन ट्रायंगल ए बी सी, कुछ भी आप लोग पूछते रहो, कॉस 37 इक्वल टू ए सी बाय बी सी दैट इक्वल टू 4 बाय एक्स, इसे इक्वल टू 4 बाय 5, सो एक्स इक्वल टू 5। वाह मजा आ गया, उस तरह ये 3 मीटर होगा। पक्का? पक्का, अच्छा। सो अब मतलब इस यहां पे स्ट्रिंग था 4 मीटर, स्ट्रिंग हो गया 5 मीटर, बस कितना स्ट्रिंग पुल किए हैं 1 मीटर। पहले यहां पे स्ट्रिंग था सी से ए के बीच में 4 मीटर, अब यहां से सी से लगा 5 मीटर, मींस जो स्ट्रिंग यहां 4 मीटर था यहां का 5 मीटर में, सामने यहां से 1 मीटर स्ट्रिंग को पुल किया है, मींस दिस ब्लॉक गोज अप बाय 1 मीटर, ये यहां से यहां आ गया एंड ये कितना ऊपर आया है 1 मीटर। सो ये कितना होगा, ये एंगल 37 है, इट विल बी 3/5 मीटर। सो अब डेल्टा यू जो लिखेंगे, इसका परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, सो लिखते हैं माइनस, इसका डिक्रीज क्या होता है, डेल्टा यू नेगेटिव, कितना एम जी एच, और इस ब्लॉक का परसेंटेज इंक्रीज किया सो प्लस एम जी एंड एच इज 3/5। अब डेल्टा के यहां पे फिर से लोग गलती करते हैं, दोनों का वी सेम होगा क्या? नहीं यार, यहां फिर से कंस्टेंट है, अगर ये वी से नीचे आ रहा है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे हमसे पसीना छूट जाएगा, क्योंकि हर जगह फोर्स वेरिएबल है, टेंशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वोल्टेज थ्योरम से एक लाइन बन रहा है। अगर इसका वेलोसिटी वी है, ये 37, ये 90, कितना है 53, सो एंगल 53, सो ये कितना होगा वी कॉस 53, आप लोग कंस्टेंट में पढ़ चुके हो। अगर ये रिंग आएगा वी से नीचे, मीन्स ये पॉइंट मूव कर रहा है वी कॉस 53 से, मीन्स इसका वेलोसिटी होगा 3v/5, अगर ये वी है वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक विल बी 3v/5। ये हमने कहां से निकाला, स्ट्रिंग कंस्टेंट से, सेम थिंग मैं आपको कंस्टेंट में ही करवाया हूं क्लास में, राइट। सो डेल्टा के मीन्स के फाइनल, के फाइनल इज हाफ इंटू 20 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 3v/5 का स्क्वायर, और के निश्चय तो 0 है। अब बस आप इसको सॉल्व करो और वी निकालो, जो भी आता है वो आंसर। रिंग का एनर्जी पूछा है, वही हमने वी माना है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फिक्स्ड रॉड, इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है, और यहां पे एक रिंग है वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, दिस रिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, हमने इसको यहां से रिलीज किया है, हमने इस रिंग को रिलीज कहां से किया है, पॉइंट ए से। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन रीचेस टू पोजीशन बी, वी हैव बीन गिवन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 2 मीटर,
मास ऑफ रिंग इज 10 kg. All surfaces are smooth. Spring is massless. ये सब general assumption है. This ring has been released from position A. Find velocity of ring when it reaches to position B. Question क्या है? Find velocity of ring when it reaches to position B. हमने A से रिलीज किया, अगर ये B तक आता है उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा? आपको एक चीज और देना पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर. फटाफट किए, फटाफट फटाफट फटाफट. Right from this position. Option A. Option B. Option C. Option D. ऑप्शन ए अंडर 45, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी अंडर 40, ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर. हो गया, ओके चलो मैं करता हूं. अच्छा अब यहां पे सिस्टम में घर्षण से कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिग्नल पे चल रहा है, सो नो चेंजिंग डेल्टा यू ग्रेविटेशनल, मीन डेल्टा ग्रेविटेशनल इज जीरो, राइट? सो इफ यू हिट माइनस डेल्टा यू इक्वल डेल्टा के, अगेन बिकॉज सिस्टम में कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, so can you imagine delta u equal to delta k, and delta u क्या होगा? spring potential energy. so spring potential energy में change निकालना है, तो पहले निकालते हैं what is initial potential energy. initial क्या है बोलो? अगर ये 3 meter length है, ये आपको दिया होगा, angle 53 है, तभी इसका length कितना है? 5 meter. मीन्स अभी स्प्रिंग का लेंथ 5 मीटर है, उसका नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, मीन्स स्प्रिंग अभी 3 मीटर स्ट्रेच्ड है, सो पोटेंशियल जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, है एक्स इज इलोंगेशन ऑफ कॉम्प्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, सो एट पोजीशन ए स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय 3 मीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, राइट? बिकॉज इट्स लेंथ इज 5 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर, सो अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से 3 मीटर इलोंगेटेड है, सो इट विल बी हाफ इंटू के, कितना है? 50 × 3² दिस मच जूल, दैट इज इक्वल टू 225 जूल. क्लियर? ओके. अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्या? नहीं यार, जब स्प्रिंग यहां पे आता है, जब हमने वहां से रिलीज किया और रिंग पोजिशन बी पे आता है, उस समय स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा? 3 मीटर. ये डिस्टेंस 3 मीटर है, सो एट दिस पोजीशन अगेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय हाउ मच लेंथ? 1 मीटर, का नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, सो यहां से पोटेंशियल होगा हाफ इनटू के इनटू 1² दैट इज 25 जूल. सो व्हाट इज डेल्टा यू? इट्स अ यूएफ माइनस यूआई. डेल्टा ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूएफ माइनस यूआई, सो यूएफ कितना है? 25. यूआई दैट इज 225, सो दैट विल बी इक्वल टू -200. राइट? सो वी कैन यूज माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के,
So from this equation we can write plus 200 equal to half into m into v square. Means to zero hai. So 200 equal to 5 v square. So v equal to under root 40 meter per second. Clear? Okay. Next. So, आपको मैंने हर टाइप का करवा दिया, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत हो सकते हैं, कुछ हैं सीट में वहां भी करेंगे। एक स्मूथ टेबल है, स्मूथ इस पे ऐसे रखा हुआ है चित्र, ठीक है, स्मूथ है। अब इसको हल्का भी अगर हम पुश कर, पुल करेंगे चेन से गिरने लगेगा। तो इस चेन यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन, मास 12 केजी एंड लेंथ 6 मीटर, यूनिफॉर्म चेन है। अब इसको स्लाइटली हमने पुल किया, पुल स्लाइटली हल्का सा हमने दिया, कुछ तो ब्रस्ट नहीं दिया, बस हल्का सा पुल करके छोड़ दिया। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन एट दिस पोजीशन, लेट्स अज्यूम इस 4 मीटर हैज कम डाउन और 8 मीटर ऊपर टेबल पे है, इस 2 मीटर और 4 मीटर ऊपर पे है। एट दिस इज इन दिस पोजीशन यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ चेन इन दिस पोजीशन? फटाफट 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 कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। फटाफट हो गया, ओके। अब हम इस केस में मानते हैं कि यहां पे भी यू जीरो इनिशियल है, आपको निकाल सका चुके। अब यहां पे कितना यू होगा, इस सब पार्ट का जीरो जो ऊपर है, कितना मास नीचे आया 2 मीटर, इसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ 12 केजी बाय 6 मीटर, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं पहले, 2 केजी पर मीटर। सो इसका मास है 4 केजी, सो ये 4 केजी टेबल से हैंग कर रहा है। सो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव में माइनस एम जी, और यहां से 1 मीटर नीचे, सो माइनस 40 जूल। इस टेबल पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, अब ये नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास का 1 मीटर नीचे है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 40 जूल। सो विल राइट माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के, एनर्जी जीरो, फाइनल माइनस 40, तो डेल्टा यू माइनस 40, सो माइनस डेल यू विल बी प्लस 40, डेल्टा के फाइनल। अब चेन के, चूंकि चेन रिजिड टाइप है, तो इसके सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा और सब मूव करेगा, तो मास कितना टोटल 12 के लिए गलती मत करना, सिर्फ ये मूव करेगा, सब मूव करेगा और सबका वेलोसिटी सेम होगा, सो हाफ इंटू 12 इंटू वी स्क्वायर, सो 40 इक्वल टू 6 वी स्क्वायर, सो वी इक्वल टू अंडर रूट 20 बाई 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको हम बोल देता हूं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं
वी हैव अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास 12 केजी. टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डील करेंगे हम लोग लाइव क्लास में. यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास 12 केजी, मतलब से जो लेंथ है 6 मीटर. कोफिशिएंट ऑफ असेंबलमेंट टेबल एंड चेंज 0.5, मींस अब टेबल स्मूथ नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल सो दैट चेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. नीचे पूछा क्वेश्चन है, आपको एल का निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब टोटल 6 मीटर में कितना मैक्सिमम लेंथ हैंग करेंगे, उससे ज्यादा हैंग करेंगे चेन गिर जाएगा. ऐसा होता है कि नहीं? जनरल लाइफ में अगर टेबल पे चेन रख दो जैसे खींचोगे एक पोजीशन के बाद, ऐसे मान लीजिए ऐसा ही है, जैसे जैसे इसको हैंग करते हैं एक पोजीशन के बाद एक पॉइंट नीचे गिर जाएगा. तो मैक्सिमम एल क्या है, ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ मानते हैं दिस एल मैक्स इज एल नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल दैट इज एल नॉट, ब्रैकेट में एल नॉट. इफ एल नॉट लेंथ ऑफ चेन इज हैंगिंग एंड स्लाइट जर्क वॉज गिवन, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल. समझो क्वेश्चन को, हमने पहले एल नॉट पूछा, अब मान लेते हैं कि एल नॉट लेंथ हैंग कर रहा है और यहां से हल्का सा जर्क दे दिया, जर्क दिया और अब पूरा चेन वर्टिकल हो गया, जो भी इसका पूरा लेंथ है. तो यहां से यहां जाने जब गया है तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ चेन क्या है, क्लियर. सो ये आपको क्वेश्चन करने हैं. सो वर्क ये था मैंने कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे पावर, पावर पावर पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है. ओके बाय बाय.